हिंदू धर्म में हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चतुर्थी और माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सकट चौथ व्रत के दिन चंद्रदेव को जल अर्घ देने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन सकट चौथ की व्रत कथा और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में शुभ योग में गणेश जी की पूजा और आरती करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब चलिए जानते हैं इस दिन की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा करते हुए उसने व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को सवा सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो वह 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। साहूकारनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 2.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी ठीक हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। तब गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुँचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह भी टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दुर्वा लेने गई। वहां उन्हें देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गईं और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के संबंधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सारी बातें बताई और कहा कि माँ ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे हैं और मैं शादी वाले दिन यहाँ जंगलों में आ गया। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट चढ़ाया। उसके बाद गणपति जी ने साहूकारनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती और बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।